हेलो बच्चों, आप सबको रानी आंटी की ओर से जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो सब कुछ कर सकते हैं और बड़े बड़े बीमारियों से हमें चंगाई और छुटकारा दे सकते हैं, इस विषय में हम बातचीत करेंगे। बच्चों, हम बाइबल से भी निकाल कर देखेंगे। लूका के 17वें अध्याय के 11 से 19 के वचन में इस घटना का वर्णन है। यहाँ पर 10 कोढ़ियों का वर्णन है जो यीशु मसीह से मिले थे। बच्चों, आप जानते हो कोढ़ की बीमारी क्या होती है? हाँ बच्चों, कोढ़ जो है बहुत गंभीर बीमारी है और अभी तो इसका इलाज है, परंतु पहले समय में इसका इलाज भी नहीं था। उस समय किसी को यह बीमारी हो जाती थी ना, पूरे गांव वाले मिलकर उन्हें गांव से बाहर निकाल देते थे। हाँ बच्चों, उन्हें अपना परिवार छोड़कर, घर छोड़कर, गांव छोड़कर, गांव से बाहर इस प्रकार से अलग से रहना पड़ता था। घर परिवार से अलग रहना कितना दुख का बात है ना बच्चों, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह सबसे प्रेम करते हैं। एक बार प्रभु यीशु मसीह एक गांव में से होकर जा रहे थे, तब उन्हें रास्ते में जोर जोर से पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। प्रभु यीशु ने देखा, अरे ये तो कोढ़ी हैं। हाँ बच्चों, वहाँ पर 10 कोढ़ी लोग थे और वे लोग बड़ी जोर जोर से प्रभु यीशु मसीह को आवाज़ दे रहे थे। वे लोग बड़े जोर जोर से पुकार कर कहने लगे, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बड़े प्रेम से देखा और कहा, तुम जाकर अपने आप को याजक को दिखाओ। बच्चों, उस समय नियम था, यदि कोढ़ की बीमारी से कोई ठीक होता है तो उन्हें पहले धर्मगुरुओं को दिखाना पड़ता था। बच्चों, आप जानते हो आगे के वचन में लिखा है, वे लोग जाते जाते ही उस बीमारी से छुटकारा पा लिए, वे लोग ठीक हो गए। वे सब ठीक होकर बहुत खुश थे कि उन्हें बीमारी से छुटकारा मिल गया। परंतु उसमें से एक व्यक्ति वापस लौट कर आया, यीशु के चरणों में गिर गया और बहुत धन्यवाद देने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसे प्यार से उठाया और पूछा, बाकी 9 कोढ़ी कहाँ हैं? हाँ बच्चों, प्रभु चाहते हैं कि हमने जो जीवन में प्राप्त किया है उसके लिए हमेशा हम धन्यवादित रहें। हाँ बच्चों, हमेशा आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अच्छे स्वस्थ जीवन के लिए और सभी बातों के लिए परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, उठ कर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हाँ बच्चों, हम प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा सब कुछ को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ बच्चों, आज के लिए मुखाग्र पद है जो यिर्मयाह 30 के 17 वचन में लिखा है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा, यहोवा की यह वाणी है। बच्चों, आप सभी इस वचन को ज़रूर से याद कर लीजिएगा। हाँ बच्चों, हम उन 10 कोढ़ियों के जैसे बड़े विश्वास के साथ जब आकर प्रभु से मांगेंगे तो हमारे लिए सब कुछ पूरा हो जाएगा, क्योंकि वह चंगा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ओके बच्चों, इन वचनों को प्रभु हमारे लिए आशीषित करके दे। आमीन।